डकैती की घटनाओं को रोकने में सहरसा पुलिस असफल। 2 दिसंबर को जिले की रिफ्यूजी कॉलोनी से चोरी हुई बाइक को अब तक पुलिस नहीं कर सकी है बरामद। मुजफ्फरपुर में फर्जी टेंट हाउस के नाम पर 2 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला करने का लगाया आरोप। मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने प्रखंड सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उठाया घोटाले का मामला। मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं राज्य सरकार के श्रम और पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा का बड़ा बयान। कहा NDA के साथ ही है चिराग पासवान। अभिराग कहाँ है इसकी टिप्पणी बेहतर होगा शीर्ष नेतृत्व से अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो वो सफलता पूर्वक इसकी जानकारी देंगे। लेकिन चिराग इस समय NDA में है और NDA के साथ रहेंगे। चिराग मिलकर चलें इसकी चिंता हम सभी लोगों को करें। नीतीश जी के खिलाफ तो बगावत किए थे ना? और बगावत किए थे तो बगावत के सुर धीमे भी पड़े हैं। नए कृषि बिल के खिलाफ पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद के मुख्य सड़कों को किया गया जाम। किसानों ने कहा नहीं मानी मांगे तो तेज होगा आंदोलन। जहानाबाद में अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज ने गुणगान में चल रहे कोचिंग संस्थान में की छापेमारी। इस दौरान 12 कोचिंग संस्थानों को किया गया सील। पुनपुन में पटना गया रेल खंड के पास अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने की छानबीन।